नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, आप देख रहे हैं भोजपुरी की ताजा खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। पहली खबर है भोजपुरी की जुबली स्टार दिनेश लाल ने रवा जी की तरफ से मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि रवा जी की फिल्म नाच बैजू नाच को 9 दिसंबर को फिल्मची टीवी चैनल पे चलाया जाएगा। तो फिल्म को टीवी पे देखिएगा, बहुत ही शानदार फिल्म बनाई गई है। अगली खबर है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से, जिनका एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार गाना आप सभी के बीच आने वाला है। जिस गाने को गाए हैं पवन सिंह और अंतरा सिंह, प्रियंका ने जिस गाने का नाम है सुन मेरी लॉलीपॉप, इस गाने को रिलीज किया जाएगा कल सुबह 6:15 पे एससी फिल्म के यूट्यूब चैनल से। गाने को सुनिएगा, बहुत ही शानदार गाना होने वाला है। अगली खबर है भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी की तरफ से, जिनका एक नया फोटो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। ये फोटो है राजा राम फिल्म का, जो की ये फोटो बहुत ही शानदार फोटो है और इस फोटो को लोगों द्वारा खूब ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और बहुत जल्द आप सभी को खेसारी लाल यादव को लेकर एक नई खुशखबरी मिलने वाली है। अगली खबर है भोजपुरी के स्टाइलिश स्टार प्रदीप पांडे चिंटू जी की तरफ से, जिनके सुपरहिट फिल्म फिदा, इस फिल्म के शूटिंग के सेट से कुछ तस्वीरें वायरल हुआ है, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। इस समय फिदा फिल्म के एक्शन का शूट किया जा रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। चिंटू पांडे का ये फोटो वायरल हो रहा है। अगली खबर है सुर संग्राम शो की तरफ से, पवन सिंह वाले शो को चलाया जाएगा शनिवार रविवार को रात 8 बजे। तो आप लोग देखिएगा इस शनिवार रविवार को रात 8 बजे और अगले भी शनिवार रविवार को चलाया जाएगा। अगली खबर है भोजपुरी फिल्म गुंडों की आएगी बारात के तरफ से, इस फिल्म के ट्रेलर को आज रिलीज किया जाएगा सुबह 7:30 पे। ट्रेलर को देखिएगा, बहुत ही शानदार ट्रेलर है। फिल्म के स्टार कास्ट में है जय यादव और काजल राघवानी। अगली खबर है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के तरफ से, जिनकी एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार फिल्म का शूटिंग स्टार्ट कर दिया गया है। फिल्म का नाम है पावर स्टार और इस समय इस फिल्म का जोरों शोरों से शूटिंग किया जा रहा है मुंबई में। और दोस्तों, प्लो केस की तय खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।